भाजपा की रायपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार सुनील सोनी ने सुनार एक्सप्रेस से खास बातचीत में शुरुआती रुझानों में दावा किया कि बड़े अंतर से वो चुनाव जीतेंगे। सुनील सोनी कांग्रेस के उम्मीदवार प्रमोद दुबे से आगे चल रहे हैं। सुनील सोनी ने कहा है कि इस चुनाव में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जनता ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। सुनील सोनी से खास बातचीत की है सुराज संवाददाता आशीष तिवारी ने। छत्तीसगढ़ में रायपुर बेहद चर्चित लोकसभा सीट रही है और सीट से अब तक के रुझानों में बीजेपी के उम्मीदवार सुनील सोनी आगे चल रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सुनील सोनी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या इसे जीत की ओर अग्रसर माना जाए? निश्चित तौर पे 100% जीत होगी। मोदी जी के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा गया है और जिस प्रकार से मोदी जी ने देश के मान सम्मान को आगे बढ़ाया, विश्व में आगे बढ़ाया और लोगों के मन में एक जो विश्वास था मोदी जी के प्रति, वो विश्वास पे मुहर लगी है और रायपुर लोकसभा में अच्छी लीड से जीतेंगे। रायपुर लोकसभा सीट के जो जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, ज्यादातर सीटों पर आप आगे चल रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि रायपुर लोकसभा सीट से विजयी उम्मीदवार के तौर पर आपके नाम का ऐलान होगा? निश्चित तौर पे होगा और रायपुर लोकसभा की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और उनका ऋणी हूँ और मैं फिर वही वचन दे रहा हूँ जो चुनाव में मैंने दिया था कि रायपुर की इस धरती पे पैदा हुआ हूँ, विकास के माध्यम से रायपुर लोकसभा के कर चुकाऊंगा और ईमानदारी के साथ मैं काम करूंगा और एक अच्छी लोकसभा बनाएंगे। अच्छे व्यवहार के साथ में मैं पूरे लोकसभा की जनता के साथ में बैठूंगा, मिलूंगा, उनसे बातचीत करूंगा, कोशिश करूंगा। परिश्रम मेरे स्वभाव में है। परिश्रम स्वभाव में है, ठीक है, नतीजों का इंतजार करते हैं, लेकिन बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। लेकिन आप क्या मानते हैं, नरेंद्र मोदी के चेहरे के बूते बीजेपी इस तरीके से लीड पा रही है या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो पार्टी ने डिक्लेयर किए थे उनके चेहरे पर भी जनता का मत पड़ा है? मोदी जी के चेहरे पे, मोदी जी ने जिस प्रकार से, ये देश का चुनाव है, देश के मान सम्मान का चुनाव है, देश की रक्षा का चुनाव है, आम आदमी के जीवन में परिवर्तन लाने वाली योजनाएं जो केंद्र सरकार ने बनाई है उस पे लोगों ने मोहर लगाई है कि मेरे जीवन में भी परिवर्तन आएगा, मेरे लिए भी कोई सरकार खड़ी है, मेरा भी प्रधानमंत्री है। ये जो भाव जो लोगों के अंदर में आया है उस पे लोगों ने मोहर लगाई है, उस पे ठप्पा लगाया है और आने वाले समय में उसी आधार पे जो है परिश्रम करके जो है हम जनता के विश्वास को भंग नहीं करेंगे, खड़े उतर कर दिखाएंगे। 300 से ज्यादा बहुमत मिलता नजर आ रहा है बीजेपी को, लगता है कि केंद्र में एक बार फिर मोदी सरकार काबिज होगी या फिर जिस तरीके से रुझान आने का दौर शुरू हुआ है दोपहर बाद नतीजे कुछ और हो सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छे नतीजे आएंगे और लगभग जो है वो 350 पार जो है हमारा एनडीए रहेगा, भारतीय जनता पार्टी का इंडिविजुअली जो है पूर्ण बहुमत रहेगा और अच्छी सरकार बनेगी और नए भारत को गढ़ने का जो मोदी जी का सपना है वो साकार करेंगे और आम आदमी के जीवन के अंदर में परिवर्तन आए ऐसी योजनाओं को धरातल पर उतार पर क्रियान्वित करेंगे। हालांकि अंतिम नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन बावजूद इसके यदि आप जीत दर्ज करते हैं जिस तरीके से रुझान सामने है, प्रमाण पत्र मिलने के बाद दिल्ली कब जाएंगे? जब भारतीय जनता पार्टी बोलेगी। कोई निर्देश फिलहाल? फिलहाल नहीं है, पार्टी जैसा आदेश करेगी वैसे। ये थे बीजेपी के रायपुर लोकसभा सीट के उम्मीदवार सुनील सोनी और जिस तरीके से प्रारंभिक रुझान सामने निकल कर आया है, प्रारंभिक रुझान में बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है और इस बढ़त के आधार पर दावा कर रहे हैं सुनील सोनी कि बड़ी लीड के साथ वो इस चुनाव को जीतेंगे। हालांकि वे मानते हैं कि ये चुनाव देश का चुनाव है और देश के चुनाव में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी थे और बीजेपी की इससे जो बढ़त जा रही है वो नरेंद्र मोदी को ही इसका क्रेडिट देते हैं। रायपुर से आशीष तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस के लिए। कांग्रेस से कंट्रोल।